महा कार्टून टीवी। माँ की ममता। किसी शहर में चार दोस्त रहते थे, विकास, अजय, जस्सी और नीतीश। वो चारों हमेशा साथ रहते थे और खूब इंजॉय करते थे। एक दिन चारों दोस्तों ने मिलकर पिकनिक जाने का प्लान बनाया। दोस्तों, कल हम लोग पिकनिक के लिए जाएंगे। अरे यार, लेकिन जाएंगे कहाँ? आसपास की सारी जगह तो हमने देख रखी है, इस बार कोई नई जगह चलेंगे। तो क्यों ना असी किसी पहाड़ी इलाके ते चलिए। हाँ, यही सही रहेगा, हम किसी पहाड़ी इलाके में चलते हैं। मैं अपनी कार ले आऊंगा और तुम लोग बाकी का इंतजाम कर लेना। ये कहकर चारों दोस्त चले गए और सुबह होते ही नीतीश अपनी कार लेकर आ गया। उसके बाद बाकी तीनों दोस्तों ने भी खाने पीने और खेलने का इंतजाम कर लिया। तभी चारों दोस्त कार में बैठे और शहर से दूर निकल गए। रास्ते में विकास ने बोला, आज बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत दिनों बाद किसी नई जगह जा रहे हैं। हाँ, और खूब खेलेंगे। और खूब खाएंगे भी। तुम लोग मेरी पसंद का सारा सामान लाए हो ना। इसी तरह चारों दोस्त बात करते करते एक पहाड़ी पर पहुँचे। उस पहाड़ी को देखकर जस्सी ने कहा, ओए देखो कितनी सोनी पहाड़ी, चलो औते ही चलिए। ये सुनकर नीतीश ने गाड़ी रोककर साइड में लगा दी और फिर चारों दोस्त उस पहाड़ी के ऊपर चले गए। उन चारों को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक पहाड़ और हरियाली दिखाई दे रही थी। उन्होंने वहाँ चटाई बिछाई और अपना सामान निकालना शुरू किया। क्या क्या लाए हो तुम खाने के लिए? मैं तो चाउमीन और चिली पटाटो लेकर आया हूँ। मैं गोभी के पराठे लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना नीतीश? ओए, मैं तो राजमा राइस लेके आया है, चलो सारे खाइए। तभी वो चारों दोस्त खाना खाने लगे। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, तभी अचानक वहाँ तेज बिजली के चमकने के साथ जोर से बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए चारों दोस्त एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इतने में विकास ने कहा, अरे इस बारिश ने तो पिकनिक का मजा ही खराब कर दिया। हाँ यार, हम इतने दिनों बाद घूमने निकले थे और अब ये फिर से बारिश हो गई। ओए, इस पेड़ दे थल्ले खड़े होने नाल की होएगा, असी पिजन तो बच भी नहीं सकते, ते ए भी नहीं पता कि ये बारिश कब रुकेगी। चलो वापस घर चलिए। जस्सी के ये कहते ही चारों दोस्त घर की ओर चल दिए। जब चारों दोस्त जा रहे थे तो उनकी कार के सामने एक औरत आ गई। वो आधे होश में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे देखकर वो चारों डर गए। ये क्या मुसीबत है और ये औरत कौन है? अरे इतने सुनसान और डरावने इलाके में ये अकेली क्या कर रही है? मैनू ता कोई पंगा लग रहा है, ओए गड्डी ना रोकी। चारों दोस्त ये बात कर ही रहे थे कि अचानक वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो प्लीज, गाड़ी रोको प्लीज, मेरी मदद करो। उस औरत की आवाज सुनकर नीतीश ने कार रोक ली। तुमने कार क्यों रोकी? हो सकता है ये औरत किसी चोरों के गिरोह में काम करती हो। ये कोई भूतनी या चुड़ैल भी तो हो सकती है। ए औरत सानू किसी मुसीबत विच फसाएगी। ओए चलो एथो चलिए। अपने दोस्तों की ये बात सुनकर नीतीश गुस्से से बोला, चुप रहो तुम तीनों, हो सकता है इसे सच में हमारी मदद की जरूरत हो। मैं तो जा रहा हूँ उसकी मदद करने, तुम तीनों को आना है तो आओ, नहीं तो यहीं बैठे रहो। ये कहकर नीतीश कार से उतरकर उस औरत की तरफ जाने लगा। बाकी तीनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे आ गए। नीतीश ने औरत के पास जाकर पूछा, क्या हुआ, क्या मदद चाहिए आपको और आप इतने सुनसान इलाके में कर क्या रही हो? वहाँ मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है और मेरा बच्चा कार के अंदर अकेला रो रहा है, वो जख्मी भी हो गया है, प्लीज
प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप चिंता ना करें, हम आपके बच्चे को बचाएंगे। उस औरत की बात सुनकर नीतीश और तीनों दोस्त उस तरफ गए तो उन्होंने देखा वहाँ सच में एक कार थी। उस कार में से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ये सब देखकर जस्सी बोला, ओए किसे जवाक दे रोन दी आवाज आ रही है, ओए छेती अनु बचाओ। ए ये कहकर उन्होंने जैसे ही कार का दरवाजा खोला उन चारों के होश उड़ गए। कार में एक बच्चा रो रहा था, लेकिन जो औरत उन्हें सड़क पर बेसुध हालत में मिली थी वही औरत ड्राइविंग सीट पर बैठी थी जो कि बेहोश थी। ये देखकर विकास ने कहा, ये औरत तो सड़क पर मिली थी लेकिन ये कार में कैसे आई? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस औरत और इस बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं। ये कहकर वो चारों दोस्त उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुँचे। वहाँ उन्हें कनिष्क नाम का एक डॉक्टर मिला जो उन चारों को पहले से जानता था। चारों दोस्तों ने डॉक्टर को सारी बात बता दी। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी इस बच्चे और इस औरत को देखता हूँ। डॉक्टर उन दोनों को अंदर ले गया और कुछ देर बाद बाहर आया, फिर बोला, बच्चा बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत चोट आई है लेकिन कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। ये सुनकर अजय ने कहा, और वो औरत वो कैसी है? हाँ डॉक्टर साहब, हमें उससे पूछना है कि वो कार में कैसे पहुंची, जबकि वो सड़क पर हमारे साथ ही थी और हम उससे पहले इस बच्चे के पास आए थे। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर कनिष्क ने कहा, वो औरत अब कभी नहीं बोल पाएगी, उसे मरे हुए 4 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। डॉक्टर साहब ऐदा कितना हो सकता है, थोड़ी देर पहले ही तो इस औरत ने साडे नाल गल की थी सी। हाँ डॉक्टर साहब, उसने खुद अपने बच्चे के बारे में हमें बताया था, तभी इस बच्चे को हम बचा पाए। वो औरत एक माँ थी, जब कार का एक्सीडेंट हुआ होगा तो वो उसी समय मर गई होगी, लेकिन जब उसका बच्चा मुसीबत में था तो मरने के बाद भी उसने अपने बच्चे की रक्षा की और आप लोगों को उस बच्चे तक ले गई ताकि आप उस बच्चे की जान बचा सको। हाँ आप सही बोल रहे हो डॉक्टर साहब, लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा, ये तो बहुत छोटा है। ये सुनकर कनिष्क ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या मैं इस बच्चे को अपने पास रख सकता हूँ, मतलब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पालूंगा और अगर आप चाहो तो इस बच्चे से मिलने आ सकते हो। डॉक्टर की बात चारों दोस्तों को ठीक लगी और वो उस बच्चे को उसके पास छोड़कर चले गए, क्योंकि वो उस डॉक्टर को पहले से जानते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और वो चारों दोस्त उस बच्चे से मिलने डॉक्टर के घर गए। वहाँ उस बच्चे को हंसता खेलता देख वो बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे माता पिता मरने के बाद भी हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमें उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।